कितना दिन पहले लिया फोन? 2 या 3 दिन दो तीन दिन? नहीं, 2-3 दिन नहीं हुआ होगा, 2-3 दिन में थोड़े खराब। बिल बिल देखा हो ना? बिल है कहाँ? बिल दिखा। सब कुछ हम लेकर आए थे, सब मिल गया थे, खोला थे, ऐसे तो पता लगेगा ना। ओ, यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मोबाइल कस्टमर जो मेरे पास ही अभी खड़ा है, तो यहाँ ये बिल लाया है। तो बिल देख सकते हैं, ये 13,300 रुपये का ख़रीदा था फ्रेंड्स। और किस डेट को ख़रीदा? 7/12/2022। आज कितना? 13। पाँच ही दिन में ख़राब हो गया। वाह, यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है। तो फिलहाल नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे पास यहाँ देख सकते हैं रियलमी का रियलमी C35 मॉडल आया हुआ है फ्रेंड्स। तो इसमें जो है चार्जिंग का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम आपको चेक करवा देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देख सकते हैं, चार्जर लगाने के बाद भी ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो है सबसे पहले हम जैक रिप्लेस करके देखेंगे। यहाँ जो चार्जिंग पोर्ट है, इसको हम रिप्लेस करेंगे फ्रेंड्स। इसके लिए फ्रेंड्स, इसका जो है ये वाला ऊपर वाला पैनल हमको उतारना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा सावधानी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए, इसके लिए फ्रेंड्स आप या तो इसको ऊपर वाले पैनल को थोड़ा सा हीट कर सकते हैं फ्रेंड्स 2-3 मिनट, और नहीं तो फ्रेंड्स ये इस टाइप का जो है फैलकॉन का स्प्रे आता है फ्रेंड्स, इसकी मदद से भी इसको आप यहाँ इसका पैनल निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। आप थोड़ा सा पेशेंस रख के काम कीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो इसका जो है पैनल टूट सकता है। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा स्टेप से एक कोने पे यहाँ पे ग्लू रिमूवर डाल दिए फ्रेंड्स, और उसके बाद इस चिमटा की मदद से फ्रेंड्स यहाँ पर से एक कोना को यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके अलगाएंगे। अलगाने के बाद फ्रेंड्स इस टाइप का प्लास्टिक का सीट ले करके इसमें फंसा देंगे, और इस चाकू को यहाँ से निकाल देंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद इसी की मदद से इस तरह से काटते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें ग्लू रिमूवर डालना पड़ेगा। फोन देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी भी ऑन कंडीशन में है। और ध्यान दें फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर का पत्ता होगा, तो यहाँ पे ध्यान से काटना है। इसका जो है फिंगरप्रिंट्स का पत्ता आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो इधर तो आप बेझिझक काट सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से काटना पड़ेगा। तो हम फिलहाल इधर से काट लेते हैं। थोड़ा सा इसका हार्ड हो जाता है फ्रेंड्स, इसका बैक पैनल उतारने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा फाइनली इसका बैक पैनल निकल चुका है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको इसका जो है ये स्क्रू यहाँ से हम रिमूव करेंगे, यानी निकालेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं। कितना दिन पहले लिया फ़ोन? 2 या 3 दिन पहले। 2-3 दिन? नहीं, 2-3 दिन नहीं हुआ होगा, 2-3 दिन में थोड़े खराब। बिल देखा हो ना? बिल है कहाँ? बिल दिखा। सब कुछ हम लेकर आए थे, सब मिल गया था, खोला थे, ऐसे तो पता लगेगा ना। ओ, यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मोबाइल कस्टमर जो मेरे पास ही अभी खड़ा है, तो यहाँ ये बिल लाया है। तो बिल देख सकते हैं, ये 13,300 रुपये का ख़रीदा था फ्रेंड्स। और किस डेट को ख़रीदा? 7/12/2022। आज कितना? 13। पाँच ही दिन में ख़राब हो गया। वाह,
तो देख सकते हैं रियलमी का C35 का जैक पिन फ्रेंड्स 5 दिन के अंदर ख़राब हो जाना। तो ये जो है बिल देख सकते हैं 5 दिन पहले ही ख़रीदा था और इसका जो है जैक ख़राब हो गया। तो चलिए हम इसको फ़िलहाल रखते हैं साइड में, अपना काम पे ध्यान देते हैं। इसको भी यहाँ से हमको रिमूव करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसका स्क्रू निकाल लेते हैं इधर से भी, और ये यहाँ पे चिपका रहता है तो इसको हम यहाँ से निकाल करके देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये पैनल भी यहाँ से निकल चुका है, ये यहाँ रख देते हैं। और इसके अंदर दो स्क्रू लगा हुआ है, इसको भी यहाँ से हम खोल लेते हैं। अब सारा स्क्रू निकलने के बाद फ्रेंड्स इसको जो है हम सिंपल सा यहाँ से इसका कवर को पुश करेंगे और यहाँ से इसको निकालने का कोशिश करें। तो इस तरीका से फ्रेंड्स नाखून से भी हो जाएगा, थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा चारों साइड से थोड़ा थोड़ा करके। देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीका से इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और इस पैनल के साथ साथ फ्रेंड्स इसका फिंगरप्रिंट्स का पत्ता भी ये बाहर निकल जाएगा। अभी भी मेरा फ़ोन ऑन कंडीशन में है और 1% चार्ज है। तो ध्यान से निकालें। ओ सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा सिम कनेक्टर अभी निकालना पड़ेगा। तो आप खोलने से पहले ही सिम कनेक्टर निकाल लें फ्रेंड्स, नहीं तो आपका सिम कनेक्टर टूट सकता है। इसको हम यहाँ से निकाल करके साइड में रख लेते हैं और यहाँ इसका रिमूव कर लेते हैं फिंगरप्रिंट्स का पत्ता। तो ये अलग हो चुका है फ्रेंड्स। अब हमें काम करना है फ्रेंड्स चार्जिंग सेक्शन में, क्योंकि इसका जो है जैक चेंज करना है। तो हम इस वाले पोर्शन को फिर यहाँ से खोलेंगे। स्क्रू निकला हुआ है पहले से ही, हम इसको स्पीकर वाले पैनल को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको रिमूव कर दिए, यहाँ से नेटवर्क एंटीना रिमूव। तो चलिए यहाँ पे ये रिमूव हो चुका है और यहाँ देख सकते हैं पीछे से जो है यहाँ पूरा हार्ड प्लास्टिक से पेस्टेड किया हुआ जैक लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस बोर्ड को यहाँ पे इस तरीका से फिट कर लिए हैं और मैं हॉट गन को अभी गर्म कर लिए हैं और उसके बाद इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम पेस्ट लगाएंगे और इसको हम यहाँ से निकालेंगे फ्रेंड्स। थोड़ा सा पेस्ट इसमें हम लगा देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा जैक यहाँ से निकल चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसमें जैक बिठाएंगे। देख सकते हैं यहाँ इस सब को यहाँ से क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करके हम आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका जो है सारा लेग क्लीन हो चुका है और इसका चार ठो ये वाला लेग फ्रेंड्स हम डिसोल्डिंग वायर से इसको जो है हम ओपन कर लिए हैं। तो इसको हम देख सकते हैं किस टाइप से पूरा क्लीन हो गया है।
और उसके बाद यहाँ पे इस जैक को हम इसमें लगाएंगे। तो इसको हम पैकेट से बाहर निकालते हैं, इसका स्वागत करते हैं फ्रेंड्स। चलिए बाहर निकल जा तुम, इसको यहाँ से भी हम निकालते हैं और इसको बोर्ड में फिट करके देखते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो ये 16 पिन का जैक होता है फ्रेंड्स, टाइप सी 16 पिन में भी आता है और 18 पिन में भी आता है फ्रेंड्स, और सारा पिन बहुत तरीका का होता है टाइप सी में भी फ्रेंड्स। तो ये 16 पिन का जैक है, तो देख सकते हैं आसानी से ये इसमें लग गया है। अब सिर्फ इसको सोल्डिंग करना बाकी है, तो हम माइक्रो सोल्डिंग से इसका जो है सोल्डिंग हम करेंगे। यहाँ देख सकते हैं अच्छी तरीका से ये इसमें बैठ चुका है, और इस सारे लेग में जो है हम अब सोल्डिंग करेंगे। और सोल्डिंग करके भी हम आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। सोल्डिंग करने से पहले फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा हम पेस्ट लगा देते हैं, और यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा सारा सोल्डिंग कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं किस टाइप से लगा है, सारा बारीक से सोल्डिंग हो चुका है, और इधर भी इस लेग का भी सोल्डिंग हो चुका है। तो चलिए हम एक बार टेस्ट करके हम दिखा देते हैं कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। इसको यहाँ इस तरीका से बिठा लेते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे मेरा फ़ोन ऑन कंडीशन में है तो इसको हम एक बार ऑफ़ कर देते हैं। उसके बाद हम चार्ज में लगाएंगे। चलिए हम फिलहाल ऐसे ही चेक कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। और जाते जाते फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।